छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत। चलिए बढ़ते हैं खबर की। 4 साल के मासूम के अपहरण से मचा हड़कम, जानिए फिर क्या हुआ। राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। राजधानी उरला इलाके से 4 साल के बच्चे का अपहरण हुआ है। 4 साल का मासूम हर्ष चेतन का अपहरण हुआ है। उरला में बच्चे के अपहरण की खबर से हड़कम मच गया है। पड़ोस के रहने वाले मुंह बोले चाचा पंचराम के साथ बाइक पर मासूम दिख रहा है। परिजनों ने पंचराम पर अपहरण का आरोप लगाया है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस की विशेष टीम नागपुर समेत 3 राज्यों के लिए रवाना हुई है। उरला थाने क्षेत्र का मामला है। किडनैपिंग के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पंचराम का मोबाइल फोन में बंद हो गया है, जिसके बाद मासूम के परिजन सकते में आ गए हैं। तत्काल पुलिस में मासूम के लापता होने की सूचना दी गई। उरला थाना पुलिस को लापता की सूचना मिलते ही गुमसुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई। आवेदन के 24 घंटे बाद ही अपहरण की FIR दर्ज कर दी गई है। उरला पुलिस का कहना है कि पड़ोसी का नाम पंचराम गेंद्रे है। 4 साल के बालक हर्ष चेतन को उसके साथ निकलते देखा गया है। गायब होने के आधे घंटे पहले ही हर्ष और उसके भाई को पंचराम बाइक में घूमने गया था। पंचराम के मोबाइल नंबर पर लगातार फोन किया गया, लेकिन उसने अपना नंबर बंद कर दिया है। पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। जल्द बच्चे को सकुशल वापस लाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अपहरण की शिकायत मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस और एंटी क्राइम और साइबर सेल की यूनिट की संयुक्त टीम का गठन किया गया है। पुलिस की विशेष टीम CCTV कैमरे के आधार पर आगे बढ़ रही है। पंचराम के साथ बच्चे का वीडियो रायपुर से लगे कुछ जिलों में पाया गया है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।